कल राजभवन मार्च माफियाओं से आजादी, एजुकेशन और हेल्थ पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, रोजगार के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई, विशेष राज लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पर, पासी और मछुआ समिति मछुआरों की लड़ाई और स्वर्णकार और व्यवसायियों की लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगी, हम सुनिश्चित करेंगे बेटियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की सुरक्षा। हम हर शहर में पप्पू ब्रिगेड तैयार करेंगे जहां बेटियों की सुरक्षा और व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए वह काम करेगी। सरकार हर व्यवसायियों को लाइसेंस का हथियार दे, लगातार स्वर्णकार व्यवसायियों पर डकैती करके समाप्त करने की, बिहार से व्यवसायी पलायन कर रहा है, समाज सुधार से ज्यादा जरूरी है बेटी को बचाना और व्यवसायियों की रक्षा करना, अपराधी और माफियाओं को मिटाकर आम आदमी की सुरक्षा। समाज सुधार का सबसे बड़ा ये हिस्सा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ ये लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है, कल 20,000 से ऊपर लोग हम लोग कूच करेंगे और बिहार से मुक्ति, बिहार से आज़ादी, इन माफियाओं के खिलाफ, इन अपराधियों के खिलाफ, इन नेता के नेक्सस के खिलाफ ये जंग की आज़ादी होगी। इसीलिए कल एक संकल्प के साथ और फिर मार्च के लास्ट या अप्रैल के 9 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर उसी नदी में बालू माफियाओं के खिलाफ हम लड़ेंगे, ये मैं आपसे कहूँ।